व्यूअर्स, मैं हूँ आरोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विप्था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये बाई इलेक्शंस नून लीग और तहरीके इंसाफ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आपको हल्का PP 97 फैसलाबाद के बारे में बताऊँगी कि वहाँ किस उम्मीदवार का पल्ला भारी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हल्का तहरीके इंसाफ के अजमल चीमा के लोटा हो जाने के बाद खाली हुआ। अब यहाँ अजमल चीमा नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीके इंसाफ के टिकट से अली अफजल शाही मैदान में उतरे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अजमल चीमा की चार स्ट्रेंथ क्या हैं। नंबर एक, अजमल चीमा 2018 में तहरीक इंसाफ के इसी उम्मीदवार अली अफजल शाही को 4000 वोटों के फर्क से शिकस्त दे चुके हैं। नंबर दो, अजमल चीमा ने हल्के के शहरी हिस्से में काफ़ी काम कराया है, जिसकी वजह से इन्हें शहर चक झुमरा में बढ़तरी हासिल है। नंबर तीन, अजमल चीमा का अवामी रबता काफ़ी मजबूत है, वो लोगों की खुशी और गमी में शरीक होते हैं। नंबर चार, इस इलेक्शन में अजमल चीमा के पास हकूमती जमात का टिकट है और राणा सनाउल्ला भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। अब आइए अजमल चीमा के हरीफ अली अफजल शाही की स्ट्रेंथ पर नजर डालते हैं। नंबर एक, अली अफजल शाही हलके के सबसे बड़े सियासी घराने शाही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनके वालिद अफजल शाही 1988 से इलेक्शन जीतते चले आ रहे हैं। वो साबिक स्पीकर होने के अलावा कई ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। नंबर दो, अली अफजल शाही पिछले मर्तबा अजमल चीमा से सिर्फ 4000 वोटों से हारे थे, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ का वोट तकसीम हो गया था। अजमल चीमा और अली अफजल शाही दोनों PTI से वोट मांग रहे थे, जबकि इस मर्तबा PTI का सारा वोट अली अफजल शाही को ही पड़ेगा। नंबर तीन, अली अफजल शाही हलके के दही हिस्से में काफ़ी मकबूल हैं, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने यहाँ बहुत काम कराए हैं। नंबर चार, महंगाई के तूफान के बायस अजमल चीमा को अवामी रद्दअमल का सामना है, इस सूरतेहाल का फायदा भी अली अफजल शाही उठा रहे हैं। मैंने आपको इन दोनों उम्मीदवारों की स्ट्रेंथ तो बता दी, अब मैं आपको बताऊंगी कि तहरीक इंसाफ के अली अफजल शाही को किन वजूहात की बिना पर अजमल चीमा पर जो है वो बढ़तरी हासिल है। नंबर एक, अली अफजल शाही की कैंपेन ज़्यादा मुनज्जम तरीके से चल रही है, जबकि अजमल चीमा को हल्के में तहरीक इंसाफ छोड़ने पर वजाहतें देने पड़ रही हैं। नंबर दो, पिछली मर्तबा अजमल चीमा तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते थे, इस मर्तबा तहरीक इंसाफ की मकामी सपोर्ट इनके साथ नहीं है। नंबर तीन, अजमल चीमा को नून लीग के पिछले उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम भी खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे, जिन्होंने 2018 में 35,000 वोट लिए थे, यानी नून लीग दो हिस्सों में तकसीम है। नंबर चार, इस वक्त तक अली अफजल शाही को 16 में से 8 यूनियन काउंसिल्स में वाज़े बढ़तरी हासिल है, जबकि अजमल चीमा की बढ़तरी 4 यूनियन काउंसिल्स तक महदूद है, जबकि 4 यूनियन काउंसिल्स में बढ़तरी का फैसला होना अभी बाकी है। नंबर पाँच, सर्वे बताते हैं कि अगर शिफाफ इलेक्शन हुए तो अली अफजल शाही 4 से 5 हज़ार वोटों के मार्जिन के साथ PP 97 साइयां वाला फैसलाबाद की ये सीट जीत सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हल्का PP 97 का एक जायज़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।